बिना किसी डाउट के हनी सिंह। मैं हनी सिंह का सपोर्टर हूँ क्योंकि वो जो उसके गाने होते हैं ना वो एक नंबर के गाने होते हैं भाई। जो आगे नहीं बढ़ पाता है वही डिस करता है, और 9 साल बाद हनी सिंह ने कमबैक करा है और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी सफलता मिली है उनको। यार हमारे इंडिया में रैप अगर हमने जानना शुरू किया तो हम हनी सिंह से ही शुरू करा है। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है खास, क्योंकि आज हम न्यूज़ रूम में मौजूद हैं और आज हम कंपैरिजन करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल ट्रोल चल रहा है। जब से जो बादशाह है उनका जो इंटरव्यू जब से लीक हुआ है तो तब से हनी सिंह वर्सेस बादशाह, हनी सिंह वर्सेस बादशाह, हर जगह ट्विटर देख लो आप, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख लो तो उसी पूरे मुद्दे पर जो उनके कॉन्ट्रडिक्शन चल रही है, जो उनके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो उसी पर बात करने के लिए आज न्यूज़ रूम में मैं आ रखा हूँ। और आपको पता है हनी सिंह का मैं कितना बड़ा फैन हूँ, और उन्होंने जो रेवोल्यूशन लाया है हिंदी रैप इंडस्ट्री में, अक्सर उसके बारे में उनको डिस करते हुए बादशाह नजर आते हैं, लेकिन हनी सिंह की तरफ से ऐसी चीज़ें आज तक कभी नहीं हुई। तो इसी पे लोगों की क्या राय है, पब्लिक का क्या उस पर रिव्यू है, वो आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे साथ क्या कौन कौन से लोग दिखाते हैं हैप्पी। आज हम बात करेंगे हनी सिंह वर्सेस बादशाह। वैसे तो कंपैरिजन करना चाहिए आप बताएंगे, लेकिन इस टॉपिक पे जो बार बार डिस किया जा रहा है बादशाह की तरफ से, फिर भी हनी सिंह कुछ भी नहीं कहते और वो कहते हैं कि इनसे कमबैक ही नहीं हो रहा, कोई हिट कोई ट्रैक नहीं हो रहा, तो क्या कहना चाहेंगे इस बार? देखिए मुद्दा हर जगह से बनता है और कंपेयर करना सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन इंसान का जो नेचर है कंपेयर करना वो तो करता ही रहेगा। अगर व्यक्तिगत तौर पे मुझसे पूछा जा रहा है कि दोनों में कौन बेटर है तो मैं हनी सिंह को ज़्यादा, मतलब उनके तरफ ज़्यादा रुझान रखूँगा खुद का, क्योंकि शुरुआत जब हुआ ये उनका अंदाज जो शुरू हुआ तो युवाओं में काफ़ी क्रेज रहा, और नो डाउट कि हनी सिंह का जो परफॉर्मेंस है अंकित काफ़ी अच्छा रहा है, और बादशाह ने भी जरूर अच्छा किया, ये नहीं कहूँगा कि बादशाह ने अच्छा नहीं किया, लेकिन जब दोनों को एक तराजू पर तोला जाएगा तो मेरे तराजू में तो हनी सिंह ही थोड़ा ज़्यादा वजनदार रहेंगे। तो उनका कोई फेवरेट गाना, ब्राउन आइज या ब्लू, ब्राउन रंग या फिर ब्लू आइज? ब्लू आइज हिप्नोटाइज। तो दोस्तों ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दी है मैनू, और यहीं ब्लू तो नहीं लेकिन ब्राउन आइज वाली की लड़की बैठी है, तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा रीटा श्री कि हनी सिंह या बादशाह? ऑब्वियसली हनी सिंह। क्यों? यार हमारे इंडिया में रैप अगर हमने जानना शुरू किया तो हम हनी सिंह से ही शुरू करा है, क्योंकि बादशाह तो बहुत बाद में आया है और उनका हर एक वर्ड जो बच्चे बच्चों को भी याद रहता है, जैसे कि किसी भी शो पे चले जाओ सारे बच्चे वहाँ पे इतने फ़ैन होते हैं कि चाहे 4 बॉटल वोडका हो, चाहे आप ब्राउन रंग वाले गाना हो, कुछ भी देसी कलाकार हो, वो सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि लोगों के एक जहन में बैठ जाता है यार, तो इसीलिए मैं तो हमेशा हनी सिंह यार मेरे लिए रहेगा। जो कंट्रोवर्सी चल रही है, बादशाह हर बार टारगेट करते हुए नजर आते हैं, कहते हैं मैं रोल्स रॉयस हूँ, हनी सिंह नैनो है, लेकिन वही अब बात की जाए तो लोगों से ही पूछना पड़ेगा कि नैनो कौन है और रोल्स रॉयस कौन है। तो आदित्य कौन है रोल्स रॉयस और कौन है नैनो? ऑब्वियसली हनी सिंह रोल्स रॉयस है। अच्छा, और जो बादशाह लगातार उन पर डिस निकाल रहे हैं और जो तमाम चीज़ें कह रहे हैं तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जो आगे नहीं बढ़ पाता है वही डिस करता है, और 9 साल बाद हनी सिंह ने कमबैक करा है और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी सफलता मिली है उनको। जब मतलब जब YouTube उतना नहीं चलता था, ब्लूटूथ के ज़माने में ब्लू आइज गाना निकाल कर बंदे ने सिस्टम हैंग कर दिया था। आज आप सुनते हो सिस्टम हैंग उसने करा था असली में। अच्छा। उस समय 600 मिलियन 700 मिलियन उसके वीडियो पे अभी व्यूज जो हैं, तो आप देख सकते हैं 10 साल पहले ही। हाँ बिल्कुल, तो इन्होंने बता दिया कि सिस्टम हनी सिंह ने पहले ही हैंग कर दिया था, अभी तो एलविश भाई ने किया। कुणाल भाई हमारे, मुझे वो लग रहा है बादशाह के सपोर्टर हो तुम, बिल्कुल वैसे डियोर व्योर पहन के बैठे हो, क्या कुणाल क्या कहना चाहोगे? मैं हनी सिंह का सपोर्टर हूँ क्योंकि वो जो उसके गाने होते हैं ना वो एक नंबर के गाने होते हैं भाई, क्योंकि उसके गानों में एक अलग ही मतलब जज्बा होता है, पब्लिक उसके गाने को सुनती है और सुनते के साथ ही मतलब उसके गानों के अंदर खोई जाती है। जो बादशाह बार बार टारगेट करते हैं हनी सिंह को, इसको लेके आप क्या कहेंगे? हनी सिंह कहते हैं कि हम किसी को कभी, मेरा डिस कभी रहा नहीं शुरुआत से, मैंने आज तक ना किसी को किया ना करूँगा। नहीं ये बात तो नहीं है कि बादशाह, मतलब देखो ये जो सिंगर वाली जो है इसमें तो होता ही रहता है, मतलब है ना कल्चर होता ही रहता है इसमें, तो ये लोग आपस में एक दूसरे को रोस्ट तो करते ही रहते हैं, क्योंकि अगर करेंगे नहीं तो फिर ऊपर कैसे उठेंगे लोग। मतलब सारा मसाला बताया आपको अंदर का है बिल्कुल। तो मेहंदी भी आगे हो जाइए कुणाल यार, मेहंदी हमारे साथ मौजूद है, मेहंदी बादशाह या हनी सिंह? बिना किसी डाउट के हनी सिंह। क्यों, ऐसा कोई स्पेसिफिक? हनी सिंह की बात ही अलग है, उनका जो एक वो था ना एरा जो रहा था हनी सिंह का वो अलग ही था, तो मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं बादशाह से बिल्कुल कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि बादशाह के गाने ना मुझे अच्छे नहीं लगते हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। कोई लिरिक्स नहीं होता है, एक ही वर्ड को ऑन रिपीट ऑन रिपीट ऑन रिपीट बोलते रहते हो, बट हनी सिंह का जो गाने की लिरिक्स है, धुन है, वो खुद बनाते थे और एक अलग तड़का होता था हर एक गाने में,
तो मुझे नहीं लगता कि बादशाह का कोई भी स्टैंड है हनी सिंह के सामने। नहीं, बादशाह लगातार बात करते रहते हैं कि हनी सिंह ने मुझे नहीं सिखाया, मैं मेरे को पहले से आता था और बस उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, फिर बीच में हमारा कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो फिर हम अलग अलग हो गए। लेकिन उन्होंने कहा, जब उनसे क्वेश्चन किया गया कि आपके तो ऐसे तो उनको भाई बोलते हो, तो उसके बाद भी आप उनको डिस कर रहे हो, कह रहे हो हिट कोई ट्रैक ही नहीं हो रहा, इनसे तो कम बैक ही नहीं हो रहा, तो अभी अभी हाल फिलहाल का गाना है तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुरु गुरु होता है, शिष्य शिष्य होता है। हनी सिंह गुरु हैं तो हैं और बादशाह उनका शिष्य था, लेकिन उनसे ही सीख के, अब उन्हीं के अगेंस्ट बोलना मुझे नहीं लगता कि एथिकली राइट है। अगर आपने किसी से सीखा है तो आप उनकी इज्जत कीजिए, चाहे वो इंडस्ट्री में है नहीं है, वो किसी भी कारणवश हो, बट स्टिल आपको अपने गुरु की या जिनके साथ आपने काम किया उनकी आप रिस्पेक्ट तो रख सकते हैं। बादशाह वो रिस्पेक्ट खो चुके हैं, वो हर गाने में उन्हें डिस करते हैं, उन्हें हिट करते हैं, टारगेट करने की कोशिश करते हैं। तो मेरी तरफ से बादशाह तो कह रहे थे मसाला है, ये तो मेरा भाई है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ऐसे कह रहे थे। अब देखिए, वो कवर करने के लिए कुछ भी बोलना चाहे, क्योंकि बादशाह ट्रोल होते हैं, क्योंकि हनी सिंह की जो फैन, बिल्कुल हनी सिंह की जो फैन फॉलोइंग है वो एक कल्ट फैन फॉलोइंग है, एकदम कट्टर जो फैंस होते हैं वो है। तो अब बादशाह ट्रोल होंगे तो उन्हें कवर करने के लिए कुछ तो बोलना पड़ेगा। लास्ट में हनी पाजी का कोई एक फेवरेट गाना आपका? मैंने अपनी लाइफ का पहला गाना, पंजाबी गाना, हनी सिंह का सुना था, जो डोप शोप था। अच्छा। तो उसके साथ अलग मेमोरीज हैं, उसके बाद जितने गाने आए वो सब मेरी प्लेलिस्ट में है, लेकिन डोप शोप मेरे लिए बहुत है। थोड़ा सुना देंगे? नहीं, मैं बहुत बुरी सिंगर हूँ, मैं नहीं सुना सकती। नहीं, ये काम हम हनी पाजी पे छोड़ देते हैं, वो सुनाएंगे। और हनी सिंह एक ऐसा नाम है जो कोई पीआर नहीं है, कोई ब्रांडिंग नहीं है, हर जगह जब वो गायब भी रहे उस टाइम भी वो उनकी प्रेजेंस थी। और जितने भी बॉलीवुड के बड़े ट्रैक्स हैं और हिंदी रैप अगर कोई इंडिया में लेके आए तो हनी सिंह का नाम वहाँ पे आता है। और भी लोग हैं न्यूज़ रूम में, तो हम वहाँ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। तो आयुष भाई, हनी सिंह या बादशाह, आजकल बड़ा ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, उनकी कंट्रोवर्सी जो आपस में वो चल रही है, तो आप क्या उससे क्या आप क्या समझते हो कि क्या होना चाहिए? जो बादशाह डिस करें लगातार हनी सिंह को, फिर भी उनको कुछ नहीं कह रहे उसके बदले, और जो जो आर्मी है, जो हनी आर्मी है, वो फिर भी तब भी उनके जब वो थे इंडस्ट्री में और जब नहीं थे दोनों में उनको सपोर्ट कर रही थी, तो आपका क्या कहना है इस चीज़ पर? नहीं, दोनों अपनी जगह पर सही है। वैसे तो हनी सिंह पुराने सिंगर है और कहीं ना कहीं बादशाह को सिखाने का, इंडस्ट्री में लाने का श्रेय हनी सिंह को जाता है। और क्योंकि हनी सिंह पुराने, हनी सिंह का गाना हम लोग तब सुना करते थे जब, बिल्कुल, तो उस समय से हनी सिंह पॉपुलर है। बादशाह अगर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करने की कोशिश करे तो मुझे लगता है कि ये गलत है। हालांकि सिंगर दोनों ही अच्छे हैं और दोनों अपना काम कि मैं रोल्स रॉयस हूं और हनी पाजी नैनो है। नहीं नहीं, ये तो गलत बात है, हनी भी अपनी जगह पर है। भले सबका समय आता है और सबका समय फिर चला भी जाता है, तो हनी का शायद समय अभी उतना सही नहीं चल रहा है, बादशाह अभी अपने चरम पर है, पीक पर है, तो ठीक है। बाकी अगर वो ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये फिर कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। वैसे टीआरपी के लिए आप कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हनी सिंह का कोई फेवरेट गाना आपका? हनी सिंह का वो एक पिस्टल का गाना आता था, पिस्टल जो फायर छटन था, वो मुझे बहुत पसंद था। हाँ हाँ, गोलियाँ। हाँ, तो मतलब वही है कि अभी भी हम कितने बड़े हो जाएं, लेकिन हमारा जो ब्लूटूथ कह रहा था, हम जब स्कूल टाइम में थे तो वो टाइम पे हनी सिंह जो है वो उनके गाने हम आज भी सुनते हैं। और आज भी कितना भी हम 600 मिलियन पार है ब्लू वॉइस, अभी भी आप यूट्यूब पे चेक करो 10 साल पुराना गाना। तो मिली हमारे साथ मौजूद है मिली, हनी सिंह या फिर बादशाह? हनी सिंह ऑब्वियसली। अच्छा, क्यों नहीं? बचपन से उसके गाने सुने आ रही हूँ उनके, और वो बहुत अच्छा, मतलब मुझे तो उनके हर एक गाने से चाइल्डहुड मेमोरिया बोल सकते हैं, उनके ब्राउन मुंडे, हाई हील्स और ऐसे कई सारे गाने जो कि मेरे फेवरेट रहे हैं, तो हनी सिंह ऑब्वियसली बात है। और जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है बादशाह वर्सेस हनी सिंह, इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो काफ़ी टाइम से चल रही है बादशाह और हनी सिंह का, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि मैं तो हनी सिंह को ही सपोर्ट करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो कुछ भी गाना लाते हैं ना, अच्छा होता है, मतलब सुनने में मज़ा आता है और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो ये ज़्यादा एंटरटेनिंग। मैंने सुना आप गाती बड़ा अच्छा, तो दो लाइनें ब्लू वॉइस की? नहीं नहीं, मैं बहुत गंदा गाती हूँ, मुझे गालियाँ नहीं सुननी तो प्लीज़। तो बिल्कुल, तो अभी मिले ने भी आपको ये चीज़ बताई है, और तमाम जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं लोग वो भी ये चीज़ कह रहे हैं कि हनी सिंह ही अभी भी टॉप पे। आप देखो न्यूज़ रूम के लोग ये कह रहे हैं, तो कोई ना कोई वजह तो होगी। तो अब कशिश से मैं पूछता हूँ, कि कशिश एंटरटेनमेंट ही फॉलो करती है, तो ये डिबेट कहाँ ख़त्म होती है वो आपको बताते हैं। लेकिन हाँ, जो न्यूज़ रूम है उसका जो रिव्यू है, उसका जो पूरा हमने सर्वे किया, तो हनी सिंह अभी तक टॉप पे हैं जो हमारे जितने भी पॉइंट्स हैं। तो कशिश, क्या हाल है? बढ़िया। तो हनी सिंह या बादशाह, और जो कंट्रोवर्सी हो रही, क्यों हो रही है? और जो चीज़ें ऐसे, कोई कहता है ना गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है, तो उसके बावजूद भी ऐसे बयान देना पब्लिसिटी के लिए, या एक पब्लिसिटी जो स्टंट है वो ये आप समझ तो नहीं रहे कि अगर जो बादशाह हैं वो अपनी फेम बढ़ाने के लिए हनी सिंह या किसी भी दूसरे आर्टिस्ट को टारगेट करते हैं, और उसके बाद ये बोल देते हैं कि वो तो मेरे भाई हैं, मैं तो उनको कुछ भी बोल सकता हूँ?
हाँ कि ये तो बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि ये बिल्कुल जो बादशाह ने पहले तो उनको बोला कम बैक ही नहीं हो रहा, फिर जब हनी सिंह का कम बैक हो गया और बादशाह जो है डाउनफॉल उनका हो गया, तो उनको जो है ना लगा कि अब मेरे को जो है ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ऑडियंस मेरी तरफ वापस आए, तो अब उन्होंने बोल दिया कि हनी सिंह मेरे भाई हैं और भाई भाई में तो इतना बोल सकते हैं और कोई नहीं बोल सकता, खुद ने बेइज्जती मार दी पहले हनी सिंह की और अब बोल रहा है कि कोई और नहीं मार सकता, तो मेरे अकॉर्डिंग ये तो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट था उनकी तरफ से, उन्होंने हनी सिंह का नाम लिया, उन्होंने सोचा कि वो और वायरल हो जाएंगे और अच्छा चल जाएंगे, लेकिन खुद ही ट्रोल हो गए। दोस्तों बहस और सबकी राय तो हमने ले ली, लेकिन हनी सिंह का बात आए तो ये गाना मुझे लगता है कि ये इंटरव्यू जो है, ये जो हमारी डिस्कशन थी, बिना गाने के एंड नहीं हो सकती, तो गाना थोड़ा सा तो गाना पड़ेगा, तो गाना हम गाते हैं कि कुड़ी है नहीं तेरे ब्राउन रंग ने मुंडे पटते नहीं सारे मेरे टाउन दे, कोई रोटी पानी खावे ना कम उत्ते जावे ना गोरी गोरी कुड़िया नु कोई मुँह लावे ना। तो आप भी ऐसे गाने सुनते रहिए और अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि हनी सिंह या बादशाह आपको कौन अच्छा लगता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।